हाँ सागर यार, मैंने किया, मैं ये जो कमेंट वाला था ना, गिट कमिट, हाँ गिट कमिट डैश एम डैश हैफिन हैफिन एम, तो वहां पे करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, तुमने उसके अंदर मैसेज सूटेबल डाल दिया था? कमेंट करके डाला है मैंने, ठीक है, सही है। अब गेट पुश ओरिजिन मास्टर कर दो। हाँ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गेट लैब पे दिख गया तुम्हें कुछ गिट लैब पे चेंजेस जो नहीं, तुमने मेरे को किए? मतलब नीचे कुछ नहीं इसके आदि का, मैं सब गिट पुश ओरिजिन मास्टर मैंने एंटर किया, वो कर्सर नीचे चला गया, बस कुछ लिख के नहीं आया। उसमें ये नहीं आया कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी पुश्ड या ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं, कुछ लिख के आया ही नोट नहीं है। करके शेयर करके दिखाओ। हाँ हेलो हेलो हाँ श्रव्या, सागर स्क्रीन शेयर कर। हाँ श्रव्या बोलो। हाँ सर, इस सागर भैया के बाद मेरा मेरा सब कुछ हो गया, बट वो पुश करने पे ना एरर बता रहा है। अच्छा ओके okay. निखिल काम चालू है इज नॉट गुड इनफ। आई वांट टू नो कि क्या काम चालू है, कहाँ पे अटके हो, क्या हो गया? सागर स्क्रीन शेयर है तुम्हारा, तो ये क्या गलत हाँ है? सर, ये देखिए, कंट्रोल तो ये गलत, कंट्रोल सी करो एक बार। सी, सी हाँ, अब करो गेट कमिट हाइफन एम वाला फिर से। गेट कमिट हाइफन कमिट एम स्पेस आइकन एम स्पेस इस, ना फिर इनवर्टेड कॉमा में मैसेज। मैसेज ही लिख देता हूँ, एंटर दबाओ। बराबर अब सही आ है गया, कि तो मैं अभी ये आपको होना क्या चाहिए करना था। बनता अब गेट इसमें पुश। अच्छा नहीं, रुक जा यार, एरर बता रहा है यार, तुम कहाँ आगे बढ़ रहे हो? एरर देगा रहे, ओके फेडल अनेबल टू ऑटो डिटेक्ट ईमेल एड्रेस, ओके सर हाँ मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करो क्या? मेरा सब हो गया, गुड कुछ भाई, रुक जा मास्टर। रुक जा रुक। हाँ बस सर एक सेकंड कंटिन्यू रुक कीजिए। जाओ यार, इसकी मीट अनेबल टू डिटेक्ट ईमेल एड्रेस। यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं नहीं रुको एक मिनट, इसमें गेट कंफिग हाइफन एम लोकेट कंफिग लोकल लोकल ठीक है। यहाँ पे हाइफन हाइफन लोकल करना है, यहाँ पे गेट कमिट लोकल, ये रहा। ठीक है यार, तो हमने कमांड, जैसे ये जो कमांड लिखा हुआ है ना, गेट कमिट हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यस सर, यही यही डाल देना, बट हाइफन हाइफन ग्लोबल हटा देना, हाइफन हाइफन ग्लोबल मत लिखना। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये जो अभी तुमने इश्यू बताया था ना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज के कि बच्चों के में दिक्कत आ रही है, तो वो इसी वजह से आया था। एक तरह से तुमने ग्लोबली सेट कर दिया कि मैं इस ये यूजर हूँ, मैं सागर हूँ। अब उस कंप्यूटर पे ओके अगर दिशा या फिर कोई तुम्हारे क्लास के बच्चा और बैठेगा तो उनको दिक्कत आएगी, बिकॉज उनकी रेपो पे पुश करने की परमिशन सागर को नहीं है। ओके तो तो इसलिए हमें ग्लोबली नहीं सेट करना, हमें लोकली सेट करना है। ग्लोबल हटा दूं हाँ, गेट कॉन्फ़िग यूजर बस, ईमेल अपनी ईमेल डाल देना, गेट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम अपना नेम डाल देना। ओके और एक चीज और ये कि बच्चों का ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, फिर उनके वाले में से क्या गेट का पूरा नामो निशान मिटाना पड़ेगा? नहीं, तो तुम्हें वो कमांड अभी बताई थी ना रिमूव करने वाली, यस, जो रिमूव व्हाट्सएप पे करना ही डाली रहेगा। है, व्हाट्सएप हाँ पे हाँ हाँ डाली हाँ हाँ है ना, तो पहले वो हाँ कमांड चलवाना, फिर ये दोनों कमांड चलवा देना। ये दोनों कौन से? ये ग्लोबल वाले, ग्लोबल हाँ, बट ग्लोबल हटा हटाइए। दिए। हाँ हाँ, ये चीज ओके उनकी, सर, एक और चीज, एक चीज जब हाँ वो गेट कमिट कर रहे होंगे तब डालने के लिए कहना है। ओके सर समझा। बोलो। और गिट कमिट कर, अच्छा ओके, जब ये मैसेज वाला होगा, यस ओके हाँ सर, एक्चुअली प्रणव ने कोई सोल्यूशन निकाला था इस चीज का, आप सुनोगे एक बार, वही जो तूने राजपूत ने बता डिस्कस कर रहे थे। हाँ बताओ प्रणव। हाँ हाँ इधर इधर माइक इधर है, तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हो जाता है सर। तेज बोलो। हेलो सर, हाँ यार,
सर जब हम लोग ने ना ये फाइल मैनेजमेंट में ना यूजर में घुसे थे ना, तो मेन जो गीट वाली फाइल रहती है ना डेस्कटॉप, मतलब एमटीएम में जो फोल्डर में रहती है वो नहीं, जो मेन डेस्कटॉप के ये सी फोल्डर यूजर में कहाँ पे, तो प्रोग्राम फाइल में कहाँ पे, तो हाँ ये देखो इधर पे है ना गेट वाली फाइल, वो डिलीट मार देते हैं बाद में सही से मतलब रन होता है तो ये मत करो यार तुम, तो ये एक सॉल्यूशन है जिससे चल जाएगा, बट इससे और चीजें हैं जो ब्रेक होने लगेंगी, ठीक ओके है? सर तो ये मत करो, आई वुड सजेस्ट जो अभी सागर को सॉल्यूशन बताया है वैसे करना। ये तुमने जो सॉल्यूशन निकाला ये भी काम करेगा, बट इससे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जब और कॉन्फ़िगरेशंस तुम लोग लिखोगे, अभी तो नहीं लिखने हैं, तो ये मत करो यार इसमें। और बेसिकली तुमने गेट को बोल दिया कि अपने दिमाग से हर चीज निकाल दे जो भी तेरे पास है, ओके ओके समझ इंस्टेड ऑफ गया, सिर्फ ओके यूजर ईमेल और यूजर नेम के, उसके पास जितना डेटा है तुमने सब उड़वा दिया। तो ओके। और एक और बोल चीज सर, एक और चीज रहा था तो याद आ गया। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो आपने अभी अभी नए वाले ये बताया कमांड्स, उसको हाँ पीपीटी में ऐड कर सकते हैं? कर दो यार, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ओके सर, तो बस देखना नेक्स्ट फिर मैं गणेश, कॉल कर। गणेश नेक्स्ट प्रेजेंट करेगा, उसके बाद श्रव्या, एंड फिर क्लास खत्म हो जाएगी। तो जितने लोग नहीं कर पाए हैं वो ट्राई करना यार, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हो और करते नहीं हो तो फिर तुम्हारा लॉस है। गणेश जल्दी से सर मैं स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट शेयर कर रहा हूँ। कर। हाँ सागर अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर दो। सर कर दिए, ये देखो सर मैंने पूरा किया है और ये भी किया है तो भी गला इधर आ रहा ही नहीं है, ऐसा मतलब वो फाइल आई ही नहीं अब तक। वापस जाओ गिट बैश पे, तो यहाँ पे देखो जब तुमने गिट स्टेटस किया हाँ सर, तो क्या लिखा हुआ है? यू ब्रांच इज अप टू डेटा विथ, अप टू डेट, इसका मतलब क्या होता है? योर ब्रांच इज अप टू डेट का मतलब, हो रहा है अप टू डेट का मतलब है कि कोई नए चेंजेस नहीं है। नहीं है सर, क्यों तुमने नए चेंजेस कहाँ किए दिखाओ, सर मैंने इसके अंदर एक ये डाला ना, कहाँ डालो? इमेज डाला है देखो एमटीएम के अंदर डाला है ना, तुम किस फोल्डर में, गलत फोल्डर में डाल रहे हो तुम। सर, एमटीएम में हेमंत के इसमें। हेमंत में क्यों डाला है? अभी जो एमटीएम पैरलेक्स क्लोन किया था उसके अंदर डालना था ना तुम्हें। सर उस हेमंत के अंदर ही क्लोन हुआ था एमटीएम का। नहीं गणेश के अंदर जाओ, गणेश के अंदर स्टेकिंग ऐप पे जाओ, ये है ना एमटीएम सर पैरलेक्स। इसके अंदर चेंज करना है, हाँ रुको सर दो में था। नहीं प्रेजेंटेशन बंद कर दो। श्रव्या नेक्स्ट यू, जल्दी से। अबे यार म्यूट करके गाली दो यार। सर सॉरी सर, हेलो। हाँ श्रव्या, हाँ सर करूँ अभी? हाँ सर आया स्क्रीन शॉट दिखता है। यस सर, देखो मेरा कोडिंग पे इधर गिट पुश कर रहे तो फेल टू पुश बता रहा है। गेट स्टेटस किया, गेट ऐड डॉट नहीं किया गया तुमने कहाँ? किया ना, ये देखो किया था मैंने, कहाँ? किया था पर पता, ये देखो इधर गिट ऐड टू ट्रैक। ये तुमने थोड़ी किया है, वो तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है तुम्हें। अच्छा तो अभी गिट ऐड करूँ क्या पहले? हेलो सबसे पहले बताओ तुमने गिट क्लोन किया क्या? श्रव्या तुमने गिट क्लोन नहीं हाँ किया वो है सब क्या? किया, कहाँ किया है ये दिखाओ, मतलब किया फाइल किया मैनेजर पे किया दिखाओ। फाइल मैनेजर पे दिखाओ वो फोल्डर। ये देखो ये सर, तुम्हारा कोड है क्या? ये कोड सर, ये मेरा ये प्रोजेक्ट का जो सब इधर ये आ गया है पुजारी तो करके। अच्छा ये है तुम्हारा फोल्डर, पुजारी के अंदर सब कुछ करना है तुम्हें, इसके अंदर ठीक है जाकर सर? अभी मुझे करना है गेट बैश हाँ यहाँ करके। पे गेट डैश करके सब कुछ करो। यस करेक्ट, ओके यहाँ पे सर, चेंजेस करो, ओके यहाँ पे सब कुछ करो, चलती है। हाँ ओके। हाँ लक्ष्मण सर, बोल यार। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, देख के बताओ ना प्रॉब्लम। तो मैंने लक्ष्मण भेजा ने है व्हाट्सएप, कोडिंग। तो सबसे पहले तुमने लक्ष्मण में गेट स्टेटस किया, इंडेक्स एचटीएमएल आया, अनट्रैक्ड फाइल्स आई, एडिट इतनी। ओ भाई साहब ये क्या?
एडिट के अंदर 302 के अंदर 267 के अंदर इंडेक्स एचटीएमएल इतना 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 एमटीएम पैरेलेक्स। तो यार लक्ष्मण तुम्हारी गिटलैब रेपो का नाम एमटीएम पैरेलेक्स है क्या? हाँ तो तुम्हारे गिटलैब के प्रोजेक्ट का नाम एमटीएम पैरेलेक्स है क्या? हाँ सर। तो ये देखो तुमने लक्ष्मण के लक्ष्मण तुमने गिट क्लोन अभी किया था ना? हाँ। तो ये देखो तुमने लक्ष्मण के अंदर गिट क्लोन किया है जब, तो उसने डेस्टिनेशन पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इसको गिट बैश को क्लोज कर देना, फाइल मैनेजर पे जाना, लक्ष्मण के अंदर तुम देखोगे एमटीएम पैरेलेक्स पड़ा होगा, उसको खोलना, उसके अंदर राइट क्लिक गिट बैश करना और फिर वहां पे करना। ओके सर, मिला करता हूं मैं। हाँ उससे चल जाएगा। ठीक है, क्लास रैप अप कर रहे हैं। जिनका इश्यूज रिजॉल्व हो गया ग्रेट, जिनका नहीं हुआ ट्राई करो खुद से। एंड कल हेलो सर। हाँ यार सर, हेलो सर सर। हाँ अभी मैंने कर दिया है सब, पर उसको पता कैसे चलेगा कि हो गया करके? गिट पुश ओरिजिन मास्टर करोगी तो उसमें दिखा देगा कि चेंजेस पुश हुए, तो गिटलैब पे दिख जाएगा वो चेंजेस। हेलो सर। हाँ सागर बोल। सर वो क्या बोलते हैं, वो ईमेल आईडी और वो डाल यूजर नेम डालने के बाद भी नहीं हुआ? क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, जैसे पहले था वैसे ही सिंपल चुपचाप। गिट कमिट किया फिर से? गिट कमिट हाँ किया। तो वो क्या कह रहा है गिट कमिट पे? मैं दिखाता हूँ, जल्दी से दिखाओ यार, टाइम अप हो गया है। बस वो एक सेकंड शो हुआ, शो हुआ सर। हाँ ये लास्ट में देखो। नहीं यार, तो इसमें तुमने सर मेरा हो गया। रुक जा। हाँ सर प्लीज कंटिन्यू। तुमने सबसे पहले तो बताओ गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल वाला कमांड क्यों रन किया? गेट कॉन्फ़िग अरे ईमेल नेम सर ये रन नहीं किया है, रन किया ये मतलब मैंने पूरा कॉपी किया ना, पूरा गलती से कॉपी किया तो वो अपने आप हो गया। तो उसके बाद मैंने वापस यहां वाले पे नहीं नहीं तो निकाल दिया। और गेट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम वाला कमांड अभी रन नहीं हुआ है? ये देखो ये जो तुम्हारा एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है वो उसका मतलब होता है अभी वो कमांड चल रही है, तो उसको कंट्रोल सी दबाते हैं तो रुक जाता है और नया लाइन। हाँ गणेश यार बोलो। सर मेरा हो गया, दिखाओ आपको। अरे वाह कॉन्ग्रेट्स, गिटलैब पे भी आ गया? हाँ सर उधर भी आ गया। परफेक्ट, तो अब जितना भी कार्ड का या कोड है वो सब कुछ गिटलैब पे डाल देना, W3 स्कूल से उठा के एक फाइल में डालना, फाइल को MTM पैरेलेक्स के अंदर डालना और फिर उसको पुश कर देना। ओके सर। हाँ बोलो सर। मैंने एक और पिक भेजा, देखो उसमें भी फैटल बता रहा है यार। तो अभी भी तुम एक मिनट, लक्ष्मण MTM पैरेलेक्स के अंदर गिट क्लोन किया, get clone gitlab.com lakshman parallax cloning into mtm parallax unable to access could not resolve host internet issue hai yaar ye। okay sir dekhta hu main, ek bar fir se karo ye chal jayega, sahi kar rahe ho? theek hai sir, thank you। aur tum mtm parallax ke andar get clone dobara kyu kar rahe ho? mtm parallax to khud mein cloned hai na? ha sir। hello lakshman, get clone fir se mat karo wahan pe। गेट एड मतलब फाइल डाल के गेट एड गेट कमिट गेट पुश करो। गेट क्लोन तो सिर्फ उस रेपो को बनाने लोकल में लाने के लिए है, तुम्हारे पास तो एमटीएम पैरेलेक्स पहले से पड़ा हुआ है। हाँ सर। तो दोबारा मत करो गेट क्लोन, तो गेट एड और गेट उधर से करूँ मैं? हाँ, फाइल पहले कोई यहाँ पे डाल दो फिर करना। ओके सर ठीक है। हाँ शाव्या बोलो। हेलो। हाँ यार। हाँ सर, सर मेरा एक मिनट देख लो ना। दिखाओ। सर हेलो। हाँ जैनिक सर, वो गिटलैब का जो अकाउंट बनाना था वो हो गया सर? सर वो ये स्टाइल शीट में मैं आ गए, ये शीट में मैंने अपडेट भी कर दिया। ठीक है, तो पीपीटी में देखो आगे और भी चीजें करने के लिए कहा होगा, वो सब करते रहो चल जाएगा। सर ये देखो मेरा कोडिंग। ओके सर। दिखाओ श्रव्या। ये देखो। गेट पुल ओरिजिन मास्टर करने के लिए किसने कहा है? सर पुश किया मैंने।
नहीं ऊपर जाओ और थोड़ा, गेट स्टेटस, गेट कमिट, न्यू गेट, एक मिनट रुको, गेट ऐड के बाद गेट ऐड डॉट डॉट होना चाहिए ना श्रव्या, सिर्फ गेट ऐड नहीं, तुमने डॉट में, तुमने गेट ऐड लिखा है और फिर देखो उसने गेट ने तुम्हें बताया भी है कि तो ब्रो गेट ऐड के बाद डॉट मिस कर दिया क्या तुमने। ओके ओके, तो जब भी कोई रिस्पांस मिले तो उसे पढ़ लिया करो यार, है ना। ओके सर, ओके यार, तो बाकी सब भी ट्राई करो एंड जिसका इसका हो जाए शीट पे अपडेट कर देना आज की डेट के साथ कि आज तुमने कर लिया, जिसका नहीं हुआ होगा वो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हेलो सर। हाँ जानी बोल यार। सर ग्रुप पीपीटीएस में ये गिटलैब के बाद नेटिफाई का अकाउंट बनाने बोला था। हाँ तो वो भी हो चुका है। हाँ तो आगे चलते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें, कर है ना। गुरुदेव 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 बोलो सागर, लेक्चर का टॉपिक क्या लो आज? अभी लास्ट क्या सीएसएस कंप्लीट कर दिया क्या तुम लोग ने? नहीं अभी नहीं, सीएसएस पोजीशन कंटिन्यू है। हाँ। लेकिन वो मेरे अलावा और कोई हैंडल नहीं कर सकता, अभी नो जानबूझ के छुट्टी मार के बैठा है और मुझे आधे घंटे का ब्रेक चाहिए 5 बजे से 5:30 के बीच में, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है। अभी ना छुट्टी क्यों मारा हुआ है सागर ब्रो? तेरा यूजर नेम अभी भी वेरीफाई हो नहीं हुआ है। ओके ठीक है, उसकी तबीयत खराब है ऐसा उसने बोला है और उसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं जो कि मेरे भी आ रहे हैं। मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी, आपने दी नहीं। अरे यार एग्जाम तो ऑनलाइन होंगे। अरे 20-21 तो पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। क्या और वाइवा है, वाइवा मतलब कैमरा ऑन करके टीचर के आंखों में आंखें डाल के जवाब देना है। तो वाइवा तुम्हें बोलना तो आता ही है, बातें तो करते रहते दिन भर, कुछ कुछ बोल देना सब प्रॉक्टर एग्जाम है। अच्छा ठीक है अभिनव यार, तो आई वुड सजेस्ट अभिनव तू पहले डॉक्टर से लेटर लिखवा कि तू बीमार है। नहीं 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 कुछ नहीं ऐसा अभिनव, यही सारी है बीमार नहीं है, मुझे झूठ लग रहा है। अरे यार एग्जाम भी तो है उसका, तो आई वांट कि कोई और टेक अप कर लो यार। लक्ष्मण है क्लास में, लक्ष्मण या प्रणव को बोलो, निखिल है, जो भी अवेलेबल हो वो उस वीक के लिए टेक अप कर लो। तुम सारे टीचर्स वाले ग्रुप में हो तो अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट कर लो यार, बट मेक श्योर कोई एक या दो लोग अपडेटेड हो। अभिनव भाई आई एम मिसिंग यू, बस एक हफ्ते की बात है भाई, आता हूं। हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, सेम यार मुझे सेम डेट नहीं होती ना तो मैं हैंडल कर लेता, इसलिए मैं पिछले एक हफ्ते से हैंडल कर रहा हूं, तेरे को नहीं कर रहा। बट सागर अभिनव अगर तुम लोग किसी वजह से छुट्टी ले रहे हो तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर कि क्लास कंटिन्यू रहे, आइदर ट्रेन समवन एल्स टू डू इट, आइदर मतलब कुछ करके ऑप्शन है। तुम लोग को कोऑर्डिनेट तो करवाना पड़ेगा, इवन इफ तुम लोग छुट्टी ले लो पढ़ने के लिए या जो भी, बट किसी एक दो लोग को हैंडल रिस्पांसिबिलिटी देनी होगी जो कर सके, और उनको समझाना पड़ेगा कैसे कर रहे हो तुम लोग। चाहो तो एक ट्रायल क्लास भी ले लो उनकी, अप टू यू। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे लोग को वैसे भी मतलब थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को कैच अप करने में। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करते हैं 23rd तक, और उनको उसका प्रैक्टिस का डे देते हैं 2-3 डेज। हाँ मेक सेंस, बट वो जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनको इश्यूज भी तो आएंगे, इश्यूज से उनको सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब लक्ष्मण पढ़ने में। हाँ हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए फिर असाइनमेंट या कुछ देना होगा, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या दें तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। ओके श्योर सर, ठीक है ऑलराइट। बाकी यार गूगल मीट लिंक वापस से चल गई है, तो जो भी क्लासेस ले रहा है उसी गूगल मीट लिंक से करना जो कैलेंडर पे तुम लोग के साथ शेयर थी सागर अभिनव। सर बाय सर, चलो ठीक है बाय यार, जय हिंद एवरीवन। अरे याद आएगा आपके, जय हिंद सर। सर एक ही बैच हो गया, फिर उसका क्या करने का लिंक? सर एक ही बैच है, दोनों भी एक ही बैच में कन्वर्ट कर लिए।